नोटबंदी से जहां आम आदमी एक एक नए नोट को पाने के लिए घंटों कड़ी मशक्कत कर रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनके पास से नए नोटों की खान निकलकर बाहर आ रही है। बेंगलुरु में आयकर विभाग ने छापा मारकर एक इंजीनियर और एक ठेकेदार के घर से 4,70,00,000 रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। इसके अलावा उनके पास से 30,00,000 रुपए के पुराने नोट भी बरामद किए गए हैं। खास बात तो यह है कि बरामद नोटों में ज्यादातर नोट 2000 के हैं। जी हाँ, 2000 के नए नोट, साथ ही कुछ 100 और 500 के नोटों की भी गड्डियां हैं। रकम के साथ ही सोने के कुछ बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। नोटबंदी के बाद नई करेंसी की बरामदगी में ये सबसे बड़ी रकम है। इस कांड में बैंक कर्मी के शामिल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। बहरहाल सच क्या है ये जांच के बाद जल्द ही सामने आ जाएगा।